हम लोग देखो किशनबाग में रहते, और जो चिट्टी जमात है खदीरुनिसा है, और जो है से चिराग अली नगर के पास रहते उन मराठी गली, उन चिट्टी डाल के हम लोग आप 16 साल से पहचानते उनको, 16 साल से उन आप भरोसे से थे। अब हम लोग चिट्टी जमने के बाद हमारी चिट्टी उठी थी 50,000 की, अब उन्होंने जो है से ऐसा फ्रॉड करके चले गए। अब 1.5 महीने तक भी देखे इंतज़ार, हम लोग बीच में यहाँ पे PS को भी आए थे बहादुरपुरे के, वहाँ यहाँ पे आने के बाद एक्शन नहीं लिए वो लोग, कुछ भी हम लोग को भिजा दिए, इतना अमाउंट हुए तो आओ कंप्लेट लेते वो लेते। अब हमारा तो देखो 50,000 की चिट्ठी अब देने का था, वो लोग दो डाली थी मैं 50-50 की चिट्ठियाँ, अब देते बोल के उन्होंने अब तक तो हाथ पे लिए। अभी फ़ोन आ तो स्विच ऑफ है उनके तीनों के भी, दामाद के और बेटी के सास के। हाँ भरोसा बहुत था उन लोगों का, पूरी बस्ती में पहचानते थे उनको, ऐसा समझो। अब हम लोग बहुत परेशान हैं। अब 16 नंबर में से तकरीबन लोगों के चिट्ठियाँ उठे, अब हम लोगों के ब्लास्ट है, हम लोगों का पैसा ले लेके भाग गए लोग। मैं किशनबाग में रहते हैं हम लोग चिराग अली नगर में, 16 साल से डालते के पास चिट्ठिया हमेशा अच्छे देते, अच्छा देते थे चिट्ठियाँ। अचानक इन्होंने 3 चिट्ठियाँ डाले, हम लोग अचानक भाग गए। अब हम हैंडलोन लिए सो भी है, और मैं दूसरों को भी डालाई सो हूँ उनके पास चिट्ठियाँ, मेरे तो दूसरे भी डाले सो है। तकरीबन मेरा हिसाब 3.5 लाख रुपये हो रहे, और मेरी 2 बच्चियों की शादियाँ करी 1 साल में, अब मेरे को कर्जा होगा, मैं कहाँ से ला के दूँ। उन्होंने अचानक फ्रॉड काम करके चले गए यहाँ से। हम वहाँ फ़ोन भी करे थे आसिफ को, उन्होंने क्या बोले, मैं मौलाली में हूँ, मेरे घर वालों की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं आके देता हूँ बोल के बोले। अब 1.5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं, अगर इन लोग पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊँ, ये ज़माने में मेहनत करके खाने वाले हैं हम लोग, मेरे बच्चियों का खर्चा मेरे को बहुत हो गया, अगर इन लोग न्याने की सूरत में मैं इज्जत के वास्ते अपनी जान दे लेती हूँ। आप कुछ भी करिए, तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढिए इनको। इससे पहले हम लोग बहादुरपुरा PS को आए थे, वेंकट सर वेंकट ऐसे ही सब हम लोगों को झिड़कियाँ दिए, नहीं होता बोल के भिजा दिए, इसलिए हम नहीं होता ये कंप्लीट नहीं होता बोल के भिजा दिए, तब 50 लाख के ऊपर होना बोल के बोले। फिर हम लोग मीडिया का सहारा लिए आप तक पहुँचाने के लिए ये आवाज़, प्लीज़ तेलंगाना पुलिस KCR साहब कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हम गरीब हैं, हम कैसे हैं, वो लोगों के फोटो हैं आपके? जी हाँ फोटो हैं, ये सैयद आसिफ है, ये है, और ये बोलते सर ये उनकी भी वाइफ है सैयद आसिफ के, इनको इन्हों और इन्हों तीनों जमाते थे छिटनिया, हम लोग कहाँ से लाना बोलिए, अगर इन्हों न्याने की सूरत में मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे जान के जिम्मेदार इन तीनों होंगे, मैं बोल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मेहनत मजदूरी। आप किशनबाग में आप लोग, हम लोग 16 लोग आए, 16 लोगों में से किसी की छिट्टियाँ उठ गए, किसी की छिट्टियाँ नहीं उठे, सो जने हम लोग बहुत परेशान, हम 1 महीने से बहुत परेशान हैं हम लोग। आप लोग कितने बने थे पैसे? हम लोग तकरीबन 3 छिट्टियों के हो गए, और दूसरे के नहीं थे, हम लोग को छिट्टियाँ भिजा दे रहे थे, ऐसा भिजा दे रहे, कुत्तों को छिट्टियाँ दिए सरकार भिजा दे रहे। अब हम लोग फिर हम मीडिया वाले को बुलाए, हम लोग इनका सहारा लिए, अलग अच्छा रखो पाबिचारे आगे हम लोगों को सपोर्ट करके हम लोगों को कराए कंप्लीट कराए, तो जब ये कोई बात होती क्या बोले, खुदा ना खास्ता हम लोगों की किसी की जान चले गई तो हम इज्जत के वास्ते इज्जत से जीने वाले हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले, आप आके दे सकते किशनबाग में, अगर खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने नहीं आए पैसे नहीं आए, हम नहीं लिए कोई भी एक्शन, पुलिस वाले तेलंगाना पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं लिए, तो खुदा ना खास्ता मेरी जान मैं दे लेती अपने आप इज्जत के वास्ते। इसके जिम्मेदार सैयद आसिफ, खाजा सुल्ताना, तनवीर, आयशा फातिमा, उनका आधार कार्ड में तीनों होंगे। मैं बहुत बेजार हो गई आखिरी में, बहुत हम 1.5 महीने से बहुत परेशान है, उन लोगों इतना बड़ा धोखा देते सो माँ को नहीं मालूम था, मेरे तुरंत भी दूसरों को मिलाई, मैं उन लोगों को क्या दी हूँ, मेरी 2 बच्चियों की शादी करी हुई हूँ, मैं कर्जे वालों को जमान लेके दी थी मैं, हाँ पुलिस वाले देखे तो ऐसे झिड़कियाँ दे रहे, हम किसको बोला जाके, किसको बोला, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे को, मैं किसके पास जाऊँ, लास्ट है एक ही, अब मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, उसके बाद में सबको मालूम हो जाता कि उनके तुरंत मैं कर लेती हूँ खुदकुशी, बस अल्लाह। हैंड लोन भी दिलाई सो है दूसरों से, मैं उसका सबूत है, बॉन्ड पेपर हो सब है दिलाई सो में पैसे, हाँ मैं देती हूँ जनवरी में देती हूँ बोल के बोले, अचानक चले गए, मैं कर्जेदारों को कहाँ से लाऊँ पैसे, बोलिए आप लोग उनके दामाद बोले थे मौलाली में है बोल के बोले थे, उनके दामाद से बात हुई थी मेरे 8 तारीख के दिन, मैं हमारे घर वालों के लाद चल रहा बोल के बोले, अब उसके बाद से फोन आ तीनों के भी स्विच ऑफ है, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से हम लोगों को डायरी भी है ढूंढने में कोशिश करिए, डायरी जो लिख के देते थे हमेशा उन्होंने आके साइन करते थे डायरी पे पैसे अमाउंट ले लेके, अब जो हंसे उन्होंने अब हमारी चिट्ठी उठने के बाद देते 10 तारीख तक बोले, नहीं तो हमेशा उन्होंने 26 तारीख को देते थे कलेक्शन पूरा, अब 10 तारीख का बोल के उन्होंने 10 तारीख से पहले गायब हो गए उन्होंने 7 तारीख के दिन ही, हम लोग आप लोग हाँ यहाँ आए थे, हम लोग आने के बाद उन लोग कुछ भी एक्शन नहीं लिए, बोले कि 50 लाख के ऊपर हुआ तो हम लोग कंप्लीट लेते,
अब आप लोग हम ऐसा आए तो हम क्या भरोसा करना, क्या ऐसे करना, बल्कि ऐसा हमको भेजा दिए, दो खत आए थे हम लोग, प्रूफ बताए बाद भी लोग भेज, हाँ भेज दिए हम लोग को, और मैं यहाँ पे एंकर जो सर है ना उन्होंने भेजा दिए हम लोगों को, और जो से मैं चीज के लिए डाली थी बच्ची की चीज, ससुराल से बैठी हुई बच्ची यहाँ पे आके आज भी समझाएंगा, आज मेरे को परेशानी इतनी हो रही है, मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से ला के बनना क्या नहीं, ये मेरे को ये टेंशन हो जा रही, एक तो किराए का मकान है मेरा, ये जो है से यहाँ पे आए तभी हम लोगों को एक्शन नहीं लिए, इसलिए हम लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, प्लीज़ जल्द से जल्द इन लोगों जहाँ भी होंगे रिक्वेस्ट है ये इन लोगों को सजा होना या नहीं तो कुछ तो भी एक्शन लेना इनके ऊपर हम लोगों। दुनिया भर में मशहूर चारमीनार और मोबाइल्स की दुनिया में मशहूर सेल वर्ल्ड एट चारमीनार, मोबाइल हो लेना तो सीधे सेल वर्ल्ड चले आना, हर ब्रांड के मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड, मोबाइल्स और ओरिजिनल मोबाइल एसेसरीज के लिए बरसों पुराना जाना पहचाना नाम सेल वर्ल्ड, बिल्कुल ही वाजिबी दाम और भरोसे के मोबाइल्स के लिए आपका अपना शोरूम सेल वर्ल्ड, थिंक मोबाइल थिंक सेल वर्ल्ड, अपोजिट चार मीनार बस स्टैंड हैदराबाद, सेल वर्ल्ड।